खबर राजस्थान से है, जहां पर RJNVU जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस नेता सुनील जी चौधरी के रोहट आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोश से रोहट भामासाव कालूराम जी बिश्नोई के नेतृत्व में उनके कार्यालय में स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी सिंह, राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण जी भूरिया, मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, रोहट वरिष्ठ पत्रकार बालाराम हरावास, प्रमोद जी दवे, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता धननाथ लोहार रामपुरा, पूर्व ब्लॉक सचिव नेमाराम बजाड़ आदि कई लोग मौजूद रहे। बराबर फदर है और कांग्रेस के मौजूद एक यहाँ के जो है कार्यकर्ता वो भी हमारे बीच में है। चर्चा करते हैं कि जो रोड की ये टाउन बराबर फदर है, यहाँ की जो समस्या है उनके बीच में है, आगे की जो चुनाव आ रहे हैं उनकी रणनीति क्या है, उनके विशेष चर्चा करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे युवा साथियों को, अध्यक्ष जी का, ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे सभी युवा साथियों का रोहित के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव मजबूती से कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर मजबूत तरीके से लड़ने, बिल्कुल मजबूती तरीके से लड़ने हमारे बीच में और हैं कालू जी विष्णु, ये भी कांग्रेस के यहाँ रोड क्षेत्र में मजबूत कार्यकर्ता, उनसे भी चर्चा करेंगे। जिस टाइम से सुनील जी जेएनयू के चुनाव लड़े थे उस टाइम भी हम साथ में थे और जेएनयू के सबसे यदि मजबूत कंटेस्टेंट में किसी का नाम था तो वो सुनील जी भाई साहब का था और हम चाहते हैं इनके जैसे युवा आगे आए और पाली लोकसभा में बिल्कुल मजबूती से दावेदारी पेश करें और टिकट लेके आए। आज जिस हिसाब से उनका स्वागत हुआ है, ये टिकट लेके आएंगे उनके उनसे दुगुने जोश में हम उनका इसी रॉयट की धरती पर वापस स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष है कांग्रेस के प्रताप जी सोनी, मैं तो पहले स्वागत करता हूँ बड़े भाई साहब का, सुनील जी का, और मेरा ये स्वागत अभी पेंडिंग है आपका, जरूर आप आ रहा है। और जिस जोश के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप एक बार टिकट लेकर आओ, फिर इससे दूसरा जोश आपके साथ हमारे इस रोहित और पाली विधानसभा से आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। पाली राजस्थान से चंद्रराम भाटी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।